ओम नमः शिवाय। शिव धाम डमरू घाटी गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश। ओम नमः शिवाय। शिव ईश्वर का रूप है। महादेव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेदों में इनका नाम रुद्र है। रुद्र शब्द का अभिप्राय जो दुखों का निर्माण व विनाश करता है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। इन्हें पशुपतिनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पशु पक्षियों और जीवात्माओं के स्वामी हैं। भगवान शिव को और भी कई नामों से पुकारा जाता है। इन्हें भोला भी कहा जाता है। भोला शब्द का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु और आसानी से क्षमा करने वाला। लिंगम, लिंगम अर्थात रोशनी की लौ, जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। महादेव, इसका अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति। नटराज, जो नृत्य के देवता माने जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। जोगी जति मुनि ध्यान न पावे, जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र स्कंद और गणेश हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव अधिकतर चित्रों के योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा लिंग के रूप में की जाती है। निगम पुराण सबे इतिहास सदा जिनके गुण गावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव कौनित ध्यावे। सांब सदा शिव कौनित ध्यावे। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। पालन लीलाहित जो विधि हरि हर रूप बनावे। एक ही आप विचित्र अनेक सुवेश बनाई के लीला रचावे। सुवेश बनाई के लीला रचावे। अन्य देवों से शिव को भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव
अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत्र हैं और ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। सुंदर सृष्टि सुपालन करी जग। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना जाता है, बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। जैसे शिव का स्वरूप भव्य है, उसी प्रकार शिव धाम जो गाडरवाड़ा शहर मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुत ही भव्य मंदिर है। मंदिर का प्रवेश द्वार विशाल है। प्रवेश द्वार पर दोनों ओर हाथी पर सवार द्वार रक्षक खड़े हैं। द्वार की ऊपरी छत पर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी विराजमान हैं। इस द्वार का नाम शिव द्वार है। सन 1995-96 में यहाँ के तात्कालीन डीएसपी श्री भगवान सिंह परिहार को शिव कृपा से अंतः प्रेरणा मिली और 23 फरवरी 1996 को इस अद्भुत धर्मस्थल डमरू घाटी का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसे डमरू घाटी नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इसकी बनावट डमरू के आकार की है। इस मंदिर में भगवान शिव की 31 फीट की विशाल मूर्ति और 51 फीट का विशाल शिवलिंग एवं 12 फीट के नंदी बैल विराजमान है। इस 51 फीट के विशाल शिवलिंग के अंदर ही शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस शिवलिंग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। सीढ़ियों पर प्रवेश करने से पहले दोनों ओर स्तंभ बनाए गए हैं। उस स्तंभ पर बहुत सुंदर शेषनाग बनाए गए हैं। इसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये शेषनाग दिन रात शिवलिंग की पहरेदारी कर रहे हों। मंदिर के अंदर शिव और पार्वती जी की मूर्ति एक साथ विराजमान है। इनके पास में ही गणेश जी की मूर्ति है तथा बीच में एक शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद उन्हें फूल, बेलपत्र तथा चंदन का लेप लगाकर इनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर में आरती बहुत धूमधाम से की जाती है। ओम जय शिव ओंकारा। इस मंदिर में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। कारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। इस मंदिर में आरती अनेक वाद्य यंत्रों को बजाकर की जाती है जिससे इस मंदिर का वातावरण संगीतमय हो उठता है। पंचानन राजे एकानन चतुरानन पंचानन राजे। आरती के समय लिंग को बहुत सारी ज्योतियों से सजाया जाता है जो पिंड के आकार का है। हंसानन गरुड़ासन वृष हर 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 महादेव।
इस मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसी अनुभूति होती है जैसे हम साक्षात कैलाश लोक में प्रवेश कर रहे हों। चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। श्रावण मास भारत में शिव संबंधी कई त्योहार तथा उत्सव मनाए जाते हैं, उनमें श्रावण महीना अपना विशेष महत्व रखता है। पूरे महीने में चार सोमवार, एक प्रदोष तथा एक शिवरात्रि, ये सभी योग एक साथ श्रावण महीने में ही मिलते हैं, इसलिए श्रावण का महीना अधिक महत्वपूर्ण होता है। चैत्र माह से प्रारंभ होने वाले वर्ष का पांचवा महीना, जो ईसवी कैलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है, इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहते हैं, क्योंकि इस समय बहुत बारिश होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें रक्षाबंधन, हरियाली तीज, जन्माष्टमी, नागपंचमी आदि त्योहार प्रमुख हैं। श्रावण पूर्णिमा को पश्चिमी भारत में नारियली पूर्णिमा व दक्षिण भारत में अवनी अवित्तम के रूप में मनाया जाता है और मध्य भारत में कजरी पूनम के नाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे त्योहारों की विविधता ही भारत की विशिष्टता की पहचान है। श्रावण महीने के हर एक सोमवार को शिवलिंग पर शिवा मूठ चढ़ाई जाती है, जो कि क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम सोमवार को कच्चे चावल, दूसरे सोमवार को सफेद तिल, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग, चौथे सोमवार को जौ, और यदि पांचवा सोमवार आए तो सत्तू चढ़ाया जाता है। ओम नमः शिवाय। महिलाएं श्रावण मास में विशेष पूजा अर्चना एवं व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। सभी व्रतों में 16 सोमवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत को वैशाख, श्रावण, कार्तिक और माघ महीने में किसी भी सोमवार को प्रारंभ किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। इस व्रत की समाप्ति 17वें सोमवार को 16 शादीशुदा जोड़ों को भोजन एवं वस्तु का दान देकर इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। भगवान शिव योगेश्वर हैं, वे अद्वैतवाद हैं तथा संपूर्ण विद्याओं और कलाओं के आचार्य हैं। ऐसे श्री शंभुनाथ को हम शत शत प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तारकं ब्रह्मं परं शिव इत्यशरदवोयम् नैतस्मादपरं किञ्चित् तारकं ब्रह्मं सर्वथा नैतस्मादपरं किञ्चित् तारकं ब्रह्मं सर्वथा।